यहाँ पे मुसलमानों के तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, आप बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं इसमें। जो सूफी बोर्ड की कल्पना है आपको किस तरह से हुई और क्या कुछ होगा सूफी बोर्ड के जरिए? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये ऑल इंडिया सूफी बोर्ड सरकार पीर आदिल के नाम पे आज उसका उद्घाटन किया गया है। इस सूफी बोर्ड की जो कल्पना थी, बहुत सालों से एक हमने सोच बनाई थी, जिसमें सरकार पीर आदिल खुद चाहते थे, मेरे पीर मखमली पीर चाहते थे, फहमी पीर साहब चाहते थे, तरक्की पीर चाहते थे और कदीर भाईजान हमारे लासानी पीर चाहते थे कि एक पीर एक राजा होता है, पीर एक मोहब्बत का पैगाम पहुँचाता है, जिसके जरिए जब जब इस देश पे कोई आफत आई तो इस देश को सूफी और संतों ने संभाला। और ऐसा पीर, कामिल पीर, अगर कोई बात आती है तो वो पीर किसी के दरवाजे पे नहीं जाए, किसी सरकार के पास नहीं जाए, जबकि सरकार उनकी इजाज़त लेने के लिए पीरों के पास, राजा महाराजाओं को भी आना पड़ता है। तो ये एक हमेशा बात रही, तो जिसमें पूरे महाराष्ट्र भर में, देश भर में जब हमने देखा गया कि कभी कोई सूफी का इंतकाल हो जाता है, पर्दा कर जाता है, तो उसके बाद सरकारी कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है, परमिशनों का सामना करना पड़ता है, दरगाह का परमिशन का, गुम्मत का परमिशन का करना पड़ता है, कलेक्टर कई चीज़ों के अंदर अड़ंगा डालते, जैसे कि मेरे पीर मखमली यूनुस अली शाह कादरी खपोली शरीफ में पिछले कुछ साल पहले खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने उनकी दरगाह को धार्मिक स्थल का दर्जा दिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात रही। इसी तरीके से महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में हर दरगाहों को, सूफियों को धार्मिक स्थल का दर्जा मिलना चाहिए। ये जो सूफी बोर्ड जो बनाने का संकल्प है कि सरकार तक जाके एक ब्रिज का काम करे, हम लोग जाके सरकार तक बात रखेंगे, कई परमिशंस की बात आएगी तो सारे परमिशंस लेंगे, कई जगह पे एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, प्राइवेट एम्बुलेंस हमने उपलब्ध करेंगे, हॉस्पिटल्स उपलब्ध करेंगे, सूफी भवन के ज़रिए हम पूरे देश भर के अंदर एक मोहब्बत का पैगाम पहुँचाने के लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा। इसलिए आज सूफी भवन, सूफी बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसका आज हम तहे दिल से, हम महाराष्ट्र की सरकार से, अल्पसंख्यक मंत्री आज उन्होंने एक ऐलान जरूरी करके गए अब्दुल सत्तार जी ने कि मैं नवी मुंबई में सूफी भवन के लिए जगह उपलब्ध करके दूंगा और उस सूफी भवन के लिए महाराष्ट्र सरकार से 5 करोड़ रुपए सूफियों को भवन के लिए देने के लिए आज उन्होंने ऐलान किया। ये हम उनका तहे दिल से, महाराष्ट्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। देवेंद्र जी पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस वक्त पे दरगाह को धार्मिक स्थल का दर्जा दिया और इस वक्त के ऊपर अब्दुल सत्तार जी ने जगह सूफी भवन की और 5 करोड़ देने का वादा किया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये सूफी भवन जो होगा, जिसके जरिए हम पूरे हिंदुस्तान के जितने सूफी है उनको एक इकट्ठा जमा करने में, एक जगह लाने में, उनको आने जाने की, कोई पूरे हिंदुस्तान से अगर जब मुंबई शहर में कोई भी सूफी आएगा, कोई भी सिलसिले का होने दो, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, हर सिलसिले के सूफियों के लिए वो सूफी भवन खुला रहेगा। ये सूफी बोर्ड हर एक सूफियों के लिए, हर सिलसिले के लिए एक करामात चीज़ जाहिर होगी। आज हमारे साथ में फहमी पीर साहब बैठे हुए, कदीरुल्लाह शाह कादरी बैठे हुए, आज लासानी पीर साहब के बेटे, उनका भी डिक्लेरेशन किया जाएगा। इतने सारे पीर के सामने एक बोर्ड बना, अब बोर्ड का उद्घाटन और उसकी बोर्ड की सदारत, यानी हाजी अराफात शेख को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ये मेरे लिए ज़िंदगी में बाएं से फ़ख्र की बात है कि इतने सारे सूफियों की जिम्मेदारी आज एक सूफी बोर्ड के जरिए दी जा रही है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, इन सूफियों से खुद दुआ करने के लिए कहूंगा कि अल्लाह मुझे उस काबिल बना, जो जिम्मेदारी इन्होंने दी उसको निभाने वाला मुझे बना दे। और मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार की जितनी योजना है, वो सारी योजना मैं सूफी बोर्ड के माध्यम से हर दरगाहों तक के पहुँचाने में अल्लाह मुझे कामयाबी दे। हर दरगाह तो होती है, तो जैसे अब्दुल सत्तार जी ने कहा कि जो पर्यटक आते दरगाहों पे, मानने वाले आते, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो कोई भी उस पीर को चाहने वाला, मानने वाला जो आएगा, तो उनकी ज़रूरत का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। औरतें होती है, लेडी टॉयलेट होना चाहिए, जेंट्स टॉयलेट होना चाहिए, बैठने का इंतज़ाम होना चाहिए, खाने का इंतज़ाम होना चाहिए। कव्वालियाँ होती है, तो कव्वालियों के लिए उसने वो प्रमाइसिस में जगह होनी चाहिए, आरामगाह रूम होना चाहिए, वो सारी चीज़ों का इंतज़ाम
सूफी बोर्ड के जरिए हर चीज़ सरकार से लेने की जिम्मेदारी सूफी बोर्ड की रहेगी। ये सारी चीज़ें कई योजना अभी डिक्लेयर करेंगे, वो सारी योजना हम सरकार तक जाके मांगने में अल्लाह हमें कामयाबी देगा। एक वक्त था कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं डर था कि जब तक जब भाजपा की सरकार आ जाएगी सत्ता में तो मुसलमानों के सारे हकों को छीना जाएगा, पर ऐसा ना होते हुए इसका उलट हो रहा है, जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। बाबरी मस्जिद की उसकी भी नींव आपने रखी, सूफी बोर्ड की भी रखी, और इस तरह के कई कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए शक्ति कहाँ से आती है, इसके लिए आप ही को कैसे सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी नेता थे इस तरह की हिमाकत नहीं कर पाए, इस तरह की पहल नहीं कर पाए। देखिए, ये शक्ति मेरे बाजू में बैठी है। इतने बड़े बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े बड़े पीर, आज पूरे हिंदुस्तान के नामी गिरामी, जब जिनका पूरे हिंदुस्तान में डंका बजता है, उनकी दुआओं के बदौलत ये सारी चीज़ हो रही है। जो कुछ हो रहा है, मुझे मेरे वालिदैन की दुआ, मेरे पीर की दुआ, और इतने सारे पीरों की दुआओं लेकर मैं ये सारी चीज़ अल्लाह मुझे ये सब करने में मुझे कामयाबी दे रहा है। आमीन। बोर्ड बनने से पहले धन मिल गया, ये बॉडी किस तरह से काम करेगी, किस तरह से पूरे देश भर में इनका दिनों में ये सारी चीज़ें हो जाएगी? देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि बोर्ड बनने के पहले, बोर्ड का उद्घाटन होने के पहले, डिक्लेरेशन होने के पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और अब्दुल सत्तार जी ने 5 करोड़ रुपए कहा कि मैं 25 तारीख की मीटिंग के तहत हम सबको बुलाकर 5 करोड़ रुपए की निधि देने की बात की। यही एक बड़ी पहल है, ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं समझता हूँ देश में सुन्नी बोर्ड बना, देश में वक्फ बोर्ड बना, देश के अंदर मुस्लिम लॉ बोर्ड बना, पहली बार सूफी बोर्ड बनने जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात रहेगी। देश में पहली बार इस तरीके की चीज़ हो रही है और उसके अंदर हर कोई सरकार का नुमाइंदा इसमें हमारे साथ खड़ा है, साथ दे रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। किस तरह से होगी, पिछले 15 दिन के अंदर सभी बॉडी को डिक्लेरेशन किया जाएगा, पूरे हिंदुस्तान की बॉडी से पहले पूरे महाराष्ट्र देश की पूरी बॉडी, जिसमें अध्यक्ष होंगे, कार्य अध्यक्ष होंगे, सर चिटनीस हो गए, उसके बाद पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश भर के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे, एक हर स्टेट के अंदर एक प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, उसकी टाइम्स ऑफ इंडिया, इनकलाब और अब सब टेलीविज़न के माध्यम से पूरी लिस्ट जाहिर की जाएगी कि हर स्टेट का कौन पदाधिकारी है। इसके तरीके से एक अलग चीज़ नज़र आएगी, जिसमें जो भाग सकता है, दौड़ सकता है, जो जो क्वालिफाइड हो और वो सूफी हो, सबसे बड़ी बात वो सूफी जो जो जिसके सर पे ताज हो, ऐसे लोगों को चुना जाएगा और वो जल्द से जल्द आपके सामने उसकी यादी हम डिक्लेयर करेंगे। बोर्ड में आपने लाइब्रेरी की बात करी, किस तरह से वो सूफी भवन बनेगा, आप कौन कौन से जो सूफीज़म को लोगों तक पहुँचाएंगे? देखिए, उसके अंदर एक अद्भुत तरीके, हाईटेक तरीके से हमने सोचा है कि जब सूफी भवन तो बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर हाईटेक तरीके से जितने हमारे पीर है उनके बयानात उसमें हो गए, जितने हमारे पीर हैं जिन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी है, कलाम लिखे, हर एक चीज़ अवेलेबल होगी कि हमारा सूफ़ी कई सालों से अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी बातें रखते हैं, जो दीन से रिलेटेड, जो शरीयत से रिलेटेड, तरीकत, हकीकत, मारिफत और इल्म इरफान का राज जो जिन्होंने लोगों तक बचाया, तो ये दुनिया तक के आने वाले नस्लों को एक बहुत बड़ा इनाम होगा कि जो उस सूफी भवन में जब हमारा जब बच्चा जाएगा तो कॉलेज के अंदर, अगर जो कभी जैसे मंत्रालय के अंदर जाया जाता है कॉलेज के बच्चों को लेके, विधान भवन में लेके जाते, लेकिन ये ऐसा हाईटेक तरीके से सूफी भवन होगा कि हिंदुस्तान के कोने कोने से सारे सूफीज़म का अगर कोई सीखना है, सूफीज़म के बारे में मालूमात लेनी है, तो हर बच्चा वहाँ आकर सूफीज़म की मालूमात ले सकता है। उसको हाईटेक तरीके से हम बनाएंगे और उसमें सारी चीज़ें उधर अवेलेबल होगी, ताकि वो जो चाहे, जो कलाम चाहे, जो शायरी चाहे, जो नमाज का तरीका, रुकू में जाने का तरीका, शरीयत क्या बताती है, हकीकत क्या बताती है, तरीकत क्या बताती है, शरीयत क्या बताती है, इल्म इरफान क्या बताता है, वो सारी चीज़ हाईटेक तरीके से उस बच्चे के लिए होगी। ये हमारी नस्लों को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। आपके बगल में कई सूफी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने आज इरफान सेठ जी को अध्यक्ष चुना है, आप लोगों ने कौन कौन सी जो जिम्मेदारी है आपको लगता है ये पूरी तरीके से पूरी कर लेंगे? आप किसी कोई बोल रहे हैं, मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूं आप लोगों के सामने। अध्यक्ष के रूप में कैसे देखते हैं आप लोगों ने अपने प्रेसिडेंट बनाया? देखो, सदर बनाया, हमारे जो है पीर भाई, गुरु भाई, हमारे मखमली हजरत मेरे हमारे से सीनियर हैं, तो इनके वालिद मोहतरम को भी उनसे खिलाफत थी, और हमारे पीर सरकार पीर आदिल बीजापुर रहमतुल्लाह अलैह,
अकीदत लेकर के यहाँ तक आई और उन्होंने कुछ बातें रखी, क्योंकि हम लोग तो अपने आप में मगन रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा अंदाज़ ऐसा है, लगन मेरी चलन मेरा जमाने से निराला है, बज़ाहिर में तो अंधेरा है मगर दिल में उजाला है। तो उसके बाद में बोले बाबा आज का ज़माना ऐसा आ रहा है कि हमें कुछ तालीमात जवान बच्चों को देना है, जो वक्त गुजर गया गुजर गया, ख्वाजा साहब के दीवाने हैं या अल्लाह के वलियों के जो हैं, होने के बाद में इनकी जो एक दिलचस्पी है और इनमें एक जो बात की एक पावर रखते हैं बात के अंदर, सब दंगे की चोट पर बोलना, ये मुझे बहुत पसंद आया इनका, और उस वजह से हमने इनको सदारत के लिए हम लोग बोले, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बात करने वाले नहीं, हम लोग चोर लोग हैं। चोर लोग बोले तो ऐसी अल्लाह की बंदगी कर जैसा चोर चोरी करता है, इसलिए इसको हम लोग लगाम लगाते हैं। ज़्यादा बोलेंगे उतनी पकड़ होगी, जितना बोलेंगे, लेकिन इन लोगों के पास इनके पास में दोनों चीज़ें हैं, सियासत भी है और दीन भी है और मारिफत भी, बल्कि तीन चीज़ें हैं इनके पास, तो चलता है हमारा विकेट, हमारी दुआएं हैं इनके साथ में शामिल, इसी वजह से इनको हम सदारत में देखिए सूफी बोर्ड के अंदर सूफिया कराम की जो बातनी तालीम है, देखो आलिम उलमा तो हमें हर जगह मदरसों की तालीम दे रहे हैं, मदरसों की तालीम दे रहे हैं, दीन की तालीम दे रहे हैं, शरीयत की तालीम दे रहे हैं, लेकिन अंदर से गौहर नायब कैसे चुन के निकाला जाए, वो कैसा लाया जाए, तो हमारे सूफिया कराम में मेरे गरीब नवाज ने जितने भी सूफिया कराम थे उन्होंने वो बातिन, वो खानका ही तालीम बोलते हैं, उसके अंदर 9 दरवाज़े रहते हैं, 9 दरवाज़े बंद रख करके उसके अंदर जो तालीम होती है उसको हम खानका कहते हैं। सूफी साहब, आजकल जो है देश में बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, आपको भी उस बारे में पता होगा, इसराइल और हमास को लेके, जो फिलिस्तीन के और इस समय इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, हमास ने 6 तारीख को एक कत्लेआम किया था इसराइल में, जिसके जवाब में उनका कहना है कि गाजा के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि देश इस समय दो हिस्सों में बंटता हुआ दिख रहा है, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, सरकार के ऊपर भी जो है कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार ने इसराइल का साथ क्यों दिया, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले कहा गया था कि वो आतंकवाद के किसी भी तरीके की हरकत का मुसम्मत करते हैं, इस वजह से उन्होंने वो स्टैंड लिया था, आप क्या कहेंगे सर? देखो ये सवाल जो है आप लोगों ने किया, बहुत बेहतर है आपका सवाल करना, बिल्कुल वाजबी है उसके अंदर, लेकिन हमारा अपना ईमान, मैं अपनी बात करता हूँ सूफी के हिसाब से, वैसे तो हैं दुनिया में अहले कमाल भी, चलती नहीं किसी की भी कुदरत के सामने, सुभान वो कायनात का मालिक और खालिक है, वो मसला ऐसा है, चोर से कहता है चोरी कर, साहूकार से बोलता है जागते रहो, तो उसके अंदर हम कुछ कलाम नहीं कर सकते, हम ये बोलते हैं मौला हम तमाम को सद्बुद्धि दे, और हम जो जुल्म कर रहा है उसके हक में भी दुआ करेंगे, अल्लाह इसको जुल्म से बचा ले मौला, जुल्म करने से बचा ले मौला, और जो जुल्म सह रहा है उसको हम कहेंगे अल्लाह इसको सब्र जमील अता फरमा मौला, उसको सब्र जमील अता फरमा मौला। तो जब तक ये भाईचारा नहीं चलेगा, तो जब तक तो ये झमेले रहते हैं और चलते हैं, ज़माने से चलते रहे, खून खराबा होता रहा है, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकेंगे, बस इतने इशारा अगर समझ में है तो इशारा उस बात को समझ लो, चलती नहीं किसी की कुदरत के सामने। हाजी भाई आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देश जैसा कि मैंने कहा एक बहुत बड़े मसले में फंस गया है, ना सिर्फ देश पूरी दुनिया फंस गई है, और ये जो विवाद है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, कई सारे मुल्क इसके अंदर अब आते चले जा रहे हैं, दुनिया देश के साथ साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सवाल के घेरे में आप प्रधानमंत्री खुद आ चुके हैं देश के, क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से वहाँ हो रहा है तो कहीं पर भी सारी चीज़ें होना नहीं चाहिए, किसी भी मुल्क में ऐसी आफतें नहीं आनी चाहिए, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं, सूफी बोर्ड के अंदर अभी इसके लिए ख़ास तौर पर दुआ होगी, और दुआ होने के बाद ख़ास तौर पर अल्लाह उस आफतों को, जो आफतों जो चल रही है, अल्लाह उस आफतों को टाले, ख़ास तौर पर ये खास इसके लिए सरकार गरीब नवाज के वहाँ एक पैगाम पहुँचाया जाएगा, और हम समझते हिंदुस्तान के राजा सरकार गरीब नवाज
हम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मानते हैं, पूरा देश मानता है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर सरकार गरीब नवाज जिनका डंका बजता है, एक राजा होता है, एक राजाओं का राजा होता है। हम उनके वहाँ सरकार गरीब नवाज में अर्जी डालेंगे कि अल्लाह उनको इस आफतों से बचा के रख, अल्लाह ऐसी आफत किसी भी देश में ना आए और हमारे देश में तो ना आए, ये खास तौर पर अल्लाह से हम दुआ करेंगे। प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन के अगेंस्ट हो गए हैं, जो सरकार हमेशा से पहले से स्टैंड ले रहा है देश की आज़ादी के बाद से, महात्मा गांधी के समय से फिलिस्तीन के साथ हमेशा से खड़ी रही है जो हिंदुस्तान की मूल की सरकार है, वो इस बार इसराइल के साथ खड़ी हो रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री घेरे में आगे, मेरा सवाल दोबारा नहीं, बिल्कुल देखो जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था वो हमने वो भी देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, सारी चीज़ देखी, हम इस चीज़ को देखेंगे कि उस चीज़ को किस तरीके से देखा जा रहा है, सरकारी यंत्रणा से किस तरीके से। अगर मैं दीन और मुसलमान के तरीके से देखा जाऊंगा तो हम विनती करेंगे जिस तरीके से सभी प्राइम मिनिस्टर ने देखा और जिस तरीके से जुल्म किसी पे ना हो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी सोचना चाहिए, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से सभी प्राइम मिनिस्टर ने सोचा और मदद का हाथ बढ़ाया उसी तरीके से मदद का हाथ उनके पास भी जाना चाहिए। देश की डिक्लेयर की जाएगी और उसके बाद 15 दिन में हम प्रेस के माध्यम से पूरे देश के अंदर सूफीज़म की, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने देखा कि सूफी बोर्ड पहली बार बनने जा रहा है, ये सूफी बोर्ड के और ओरिजिनल जो असल सूफी होते जो तनाई में रहते खानकाओं में रहते और खानकाओं में रह के देते ये सैलाब देते, जो दीन फैलाने का असली तरीका सिखाते, मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाते, जो सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में जो सिलसिला चलाया, ये हज़रत अली के घर से आया हुआ खजाना, सरकार गरीब नवाज के घर से आया हुआ खजाना, इस खजाने को पूरे देश भर के अंदर देखे आएंगे। सूफीज़म पहली बार इस तरीके से, मुझे लगता है कि कई सालों के बाद, कई सदियों के बाद पहली बार पीर किसी कैमरे के सामने बैठा होगा, नहीं तो आज तक के कोई पीर किसी कैमरे के सामने नहीं आता, कभी किसी महफिल में नहीं आता, कभी किसी हॉल में प्रोग्राम नहीं होता, ये कार्यक्रम होते दरगाहों पे, ये कार्यक्रम होते खानकाओं में, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में होने जा रहा है और हर हिंदुस्तान के हर हिस्से से एक नामी गिरामी जो अपनी एक हज़ारों हज़ारों मुरीद जिनके है पीछे दौड़ते, वो पीर इस महफिल में मुंबई शहर में आया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये पीरों के ज़रिए, ये सूफी बोर्ड के जरिए देश में अमन और शांति पहुंचाने का सबसे बड़ा काम किया जाएगा। ऑल इंडिया सूफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ होगा सर, हेड ऑफिस किधर होगी, कहाँ माना जाएगा? ऑल इंडिया सूफी बोर्ड की हेड ऑफिस कर्नाटक बीजापुर में होगी, जो सरकार पीर आदिल की दरगाह है। दूसरी ऑफिस हमारी मुंबई शहर के अंदर कुर्ला में होगी। इस तरीके से अभी अलग अलग तरीके से उसकी जहाँ जहाँ ब्रांचेस बनेगी उसको हम लोग फैलाएंगे और लोगों तक के बराबर मालूमात देंगे। आपको क्या लगता है इससे आम जनता को क्या फायदा होगा, कितनी जागरूकता उनमें पैदा होगी, और आपको क्या लगता है कि किन किन चीजों की आवश्यकता है पीरों को? ये रास्ता जो हम लोगों ने चुना है ये हर आदमी, आपको क्या लगता है? मेरे नजदीक ऐसा है, कोई भी माइनॉरिटी हो, कोई भी तबके का हो, जब तक वो तालीम हासिल नहीं करता है वो अपनी हकीकत को जान नहीं सकता है। गवर्नमेंट ने हमको क्या सहूलत दिया है, क्या नहीं सहूलत दिया है, वो तालीम के बगैर नहीं हो सकता है। मैं पूरी दुनिया को, हर इंसान को मेरे गुजारिश है कि वो दीन हासिल करे, तालीम हासिल करे, क्योंकि हमारे कुरान के अंदर भी आया है इकरा बोल करके, पहली आयत ही नाजिल हुई कि इल्म हासिल करो, और हमारे रसूल ने कहा है इल्म हासिल करो, ख्वा तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े, यानी सफ़र ही क्यों न करना पड़े। तो दोनों दो इल्म होता है, एक दुनिया को कमाने का है, एक खुद को कमाने के लिए दिन के तालीम होता है। तो गवर्नमेंट ने जो कर रही है, जो सियासत लीडर वाले हैं वो अपनी मांग कर रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। हम भी बहुत दिन तक थे सियासत के अंदर, जब तक 5-5 साल हमने भी उस ज़माने में लाल बावटा जिंदाबाद किया है, समझ में आया। लेकिन कामगार के लिए हमेशा लड़ा हूँ, 5-5 साल की सर्विस छोड़ा हूँ 1960 से लेके 65 तक और 67 से लेके 71 तक सुपरवाइज़र बन के वहाँ से निकला गारमेंट लाइन के अंदर। लेकिन बाद में मुझे अपनी ही खोज, अपना पता कर रहा हूँ मैं, क्या ये फानी ज़िंदगी को पका कर रहा हूँ मैं, ये बस इससे गुरु की ज़रूरत थी। मुझे सद्गुरु मिला, नागपुर गया बाबा ताजुद्दीन के पास, जब मैं
गुरु नहीं मिला था, तड़प करके गया, मुझे 2 घंटे में इशारा देके भगा दिए, उसके बाद में मुझे 6 महीने